हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज सीरीज में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े, एक ट्रेड एनालिस्ट हूं और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करीब 20 से 25 सालों से जुड़ा हुआ हूं, एज अ मार्केटियर, एज एग्जीबिटर और अलग अलग कैपेसिटी में। मैं आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा जो कि एंटरटेनमेंट या तो फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से संबंधित हो। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, और जो भी आपके प्रश्न हैं उसे आप इस कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्नों को उत्तर दे सकूं। आज का प्रश्न है, व्हेन विल सिनेमाज ओपन इन इंडिया? भारत में सिनेमा घर कब फिर से शुरू होंगे? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे देश में कुल मिलाकर 9500 के करीब स्क्रीन्स हैं, जिसमें से 35% स्क्रीन्स मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं और बाकी सारे सिंगल स्क्रीन्स हैं। इन 35% मल्टीप्लेक्स का मतलब है करीब 3000 से 3200 स्क्रीन्स। अब इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स में सबसे ऊपर है पीवीआर, फिर है आईनॉक्स, उसके बाद है कार्निवल और उसके बाद है सिनेपोलिस। अब जब सेकेंड वीक ऑफ मार्च यानी कि 13 मार्च से लॉकडाउन हुआ, तो तब से लेकर अब तक सबसे बैडली अफेक्टेड यही सेक्टर रहा है, यानी कि एग्जीबिशन सेक्टर रहा है, जहां पर 2 लाख लोग रोजगार पाते हैं। अभी तक के एस्टिमेशन के हिसाब से हर महीने में कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है और अब तक कम से कम 5000 से 6000 करोड़ का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। और इन सारी प्रोसेस में कई सारी नौकरियां भी जा चुकी है, खासकर थर्ड पार्टी एजेंसी की जो नौकरियां होती है, जैसे कि हाउसकीपिंग है या कैफे बॉयज है या सिक्योरिटी है, इनकी नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी है। इंटरनेशनली चाइना, अमेरिका, यूके, आयरलैंड और बाकी कुछ देशों में ऑलरेडी सिनेमाज ओपन हो गए हैं। अगर हम स्क्रीन काउंट्स की बात करें तो चाइना में 62,000 स्क्रीन्स है, यूएस में 40,000 स्क्रीन काउंट है और हमारे कंपेयर में हमारे पास 9,500 स्क्रीन है, यानी इतना बड़ा डिफरेंस है। चाइना में ऑलरेडी एक लोकल फिल्म, एपिक हिस्टोरिकल फिल्म द 800 रिलीज हुई कुछ ही दिन पहले और उसने बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वो 50% ऑक्यूपेंसी में रिलीज की गई, यानी कि सिनेमा घर की स्ट्रेंथ अगर 1000 सीट्स की है तो सिर्फ 500 को ही अनुमति दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी हो और कुछ सीट्स का गैप रखा जाए, तो उसमें भी ये फिल्म हाउसफुल रही। उसके अलावा यूएस में द रेस्ट नाम की एक हॉरर फिल्म रिलीज हुई कुछ ड्राइव इन सिनेमाज में और कुछ रेगुलर रीओपन सिनेमाज में, जहां पर वो 6 हफ्ते तक टॉप ऑफ द चार्ट्स रही। उसके अलावा कनाडा, आयरलैंड में एक द अनहिंज्ड करके रशल क्रो की फिल्म है, वो रिलीज हुई और वो भी वहां सुपरहिट रही। यानी कि सारी दुनिया में लोग राह देख रहे हैं मल्टीप्लेक्सेस के एक्सपीरियंस के लिए, सिंगल स्क्रीन्स के एक्सपीरियंस के लिए। हर आदमी बाहर जाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए सिनेमा घरों में जाए और सिनेमा को एंजॉय करे। नए सिनेमा विजिट के नॉर्म्स भी नए होंगे, यानी कि टिकटलेस ट्रांजैक्शन होगा, आपके बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाएगा, हैंड सैनिटाइजेशन के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, इंटरवल में हैंड सैनिटाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सीट्स में गैप्स रखे जाएंगे वगैरह वगैरह। 1/3 कैपेसिटीज के साथ सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत अभी इंडिया में दिए जाने की बात की जा रही है, जिसको मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने और सारी चेन्स ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि अगर चाइना की तरफ 50% मिनिमम ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमा घर अगर नहीं खुले तो कोई भी चेन ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि अगर 1000 सीटर का मल्टीप्लेक्स है तो कम से कम 500 लोगों के बैठने की अनुमति देनी चाहिए। इस पर डिस्कशन चल रहा है इस वक्त, इसलिए गवर्नमेंट और उनके अथॉरिटीज और उसके अलावा मल्टीप्लेक्स चेन्स के अथॉरिटीज के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है उससे ये लगता है कि सिनेमाज ओपन होंगे सितंबर एंड तक। अगर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ सिनेमा घर ओपन होते हैं सितंबर एंड तक या अक्टूबर 1st वीक तक, तब
ये होगा कि इस वक्त जो हम इंतजार कर रहे हैं अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का दिवाली में, और फिर रणवीर सिंह की 83 का क्रिसमस में, उसके अलावा सलमान खान की राधे का, वो सारे इंतजार का फल मीठा होगा, क्योंकि हम सारे लोग मल्टीप्लेक्स के चाहने वाले हैं, और जो एक्सपीरियंस मल्टीप्लेक्सेस का है वो एक्सपीरियंस हमको और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देगा, इतना जरूर है। अब जब मल्टीप्लेक्सेस शुरू होंगे तब कंटेंट की भी लाइन लगेगी और साथ ही साथ मूवी गोयर्स की भी लाइन लगेगी, इस आशा के साथ कि मल्टीप्लेक्सेस सितंबर में ओपन होंगे। मैं आपसे इजाजत लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए एडियोस।